हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे हमारा मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे गीगर मोरर काउंटरफिल, क्योंकि इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, ये किस इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। सो देरी करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले हो गया हमारा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में क्या है कि बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो है एक आयनाइजेशन चैम्बर प्रेजेंट होता है, ओके, जिसमें क्या आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर गैस प्रेजेंट होती है। गैस कौन सी प्रेजेंट होती है? इनर्ट गैस प्रेजेंट होती है, जैसे हमारी हीलियम हो गई, नियॉन हो गई, आर्गन हो गई, ये सारी हमारी गैसेस जो है वो प्रेजेंट होती है। इसके बाद फिर क्या होता है कि हमारा आयनाइजिंग पार्टिकल, जब किसी भी एक चैम्बर में हमारा आयनाइजिंग पार्टिकल जब एंटर करता है तो वो क्या करता है कि वो जो है आयन्स को प्रोड्यूस करता है, ओके, जिससे क्या हो गया है कि ये प्राइमरी आयन्स को प्रोड्यूस करेगा जो फर्दर जाके सेकेंडरी आयन्स को प्रोड्यूस करेंगे। मतलब प्राइमरी आयन्स को प्रोड्यूस करता है जो कि फर्दर जाके सेकेंडरी आयन्स को प्रोड्यूस करेंगे। अब ये जो सेकेंडरी आयन्स हैं और जो प्राइमरी आयन्स हैं, इनका जो दोनों का इफेक्ट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितने हमारे प्राइमरी आयन्स जो हैं वो हमारे प्रोड्यूस होंगे, उतने ही ज़्यादा वो क्या करेंगे, सेकेंडरी आयन्स का प्रोडक्शन करेंगे, ओके। सो यही था हमारा इसका बेसिक प्रिंसिपल। अब इसके बाद फिर क्या होता है कि ये जो है कौन कौन सी रेडिएशंस को डिटेक्ट कर सकता है। ये जो है अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गामा रेडिएशन, तीनों को ये जो हमारा गीगर मुलर काउंटर है वो डिटेक्ट करता है। देन इसके बाद फिर जो गैस फिल्ड होती है, इसके साथ हमारी एक क्वेंचिंग वेपर होते हैं वो भी फिल्ड होते हैं, जिससे क्या होगा कि वो क्या करते हैं, वो प्रिवेंट करते हैं हमारे भी जितने भी स्प्यूरियस मैटर्स होते हैं उनको प्रिवेंट करते हैं। बेसिकली जितने भी क्लोरीन हो गया या ब्रोमाइड हो गया, ये सारी चीज़ें अगर प्रेजेंट हैं उसमें जो भी हमारा सैंपल है, तो वो क्या करेंगे, इनको जो है स्प्यूरियस ये मैटर है तो इनको क्या करेंगे, इनकी जो पीक्स हैं डिटेक्ट, क्योंकि ये डिटेक्टर से जाके आगे जुड़े होंगे तो उनको उनकी पीक्स जो है ये नहीं देगा, ठीक है। क्वेंचिंग वेपर जो है क्वेंचिंग एजेंट्स को एंट्रैप कर लेगा ताकि उनकी जो पीक्स हैं हमारे जो डिटेक्टर में वो ना आए, ठीक है। अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन के बारे में, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में बेसिकली क्या होता है, सिलेंड्रिकल कैथोड, एक सिलेंड्रिकल कैथोड होती है, ठीक है। जैसे कि ये है, ये एक सिलेंड्रिकल कैथोड है, या इसमें समझ लेते हैं, ठीक है, ये एक कैथोड है सिलेंड्रिकल, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होता है कि इसमें जो है एक वायर एनोड जो है वो लगी होती है, ओके, ये देखो ये एक वायर एनोड है, ओके। इसके बाद फिर क्या होता है, जो चैम्बर की स्पेस है, ये पूरी एक चैम्बर की स्पेस है, ये ठीक है, एयर या गैस फिल्ड होगी जो कि इनर्ट होगी, ओके। इसके बाद फिर क्या होगा, इसमें गैस के साथ इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ क्वेंचिंग वेपर्स भी प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब एक एनोड की वायर जो है वो प्रेजेंट होती है, वो एनोड वायर जाके हमारे वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट होती है, वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट होती है। इसके बाद फिर वो जो वोल्टेज सोर्स है जाके इलेक्ट्रिक करंट मेजरिंग डिवाइस से कनेक्ट होता है, ठीक है। यही पूरा इसका इंस्ट्रूमेंटेशन था। इसमें सबसे पहले क्या था, एक चैम्बर होता है जो कि क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है, जिसके जिस चैम्बर के अंदर एयर प्रेजेंट होती है, जो कि कौन सी होती है, या तो इनर्ट होगी या तो, और उसमें उसकी इनर्ट गैस के साथ साथ उसमें क्वेंचिंग वेपर्स प्रेजेंट होंगे। इसके बाद फिर इसमें क्या होगा, हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है, जो सिलेंड्रिकल कैथोड होती है वो तुम्हारी 1 से 2 सेंटीमीटर तक की ही होती है, ओके। इसके बाद फिर क्या होती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ क्वेंचिंग वेपर्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अंदर एक वायर एनोड होता है, ठीक है, जो जाके फर्दर कनेक्ट होता है वोल्टेज सोर्स से, ओके। अब इसके बाद फिर ये जो है हमारे ए और बी, ये दोनों जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये हमारे सॉलिड जो एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए यूज होते हैं। जो हमारे ये सी और डी, ये वाले जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये हमारे गीगर मुलर काउंटर लिक्विड के लिए यूज होते हैं। इसके बाद फिर आ जाते हैं अपने वर्क। सबसे पहले क्या होता है कि डिटेक्टर्स जो होते हैं वो गैस से फिल्ड होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि रेडिएशन जो होगी वो फॉल करेगी, रेडिएशन फॉल करने की वजह से मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो आयनाइज होंगे, जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, आयनाइज होंगे, ठीक है। आयनाइज होने के बाद वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, आयन्स पॉजिटिव, या तो पॉजिटिव या तो फिर नेगेटिव आयन्स प्रोड्यूस करेंगे, जिससे फिर क्या होगा, ये क्या होंगे, ये मूव करेंगे इलेक्ट्रोड्स की तरफ, जो हमारे कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोड्स हैं उनकी तरफ मूव करेंगे, और फिर ये एनोड जो है उनको इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करेंगे और इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस करेंगे, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल फर्दर जाके डिटेक्टर जो है हमारा वो डिटेक्ट कर लेगा, ओके। वर्किंग हो गई हमारी गीगर मुलर काउंटर की। अब इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे सिंटिलेशन काउंटर। अब आ जाते हैं हमारे सिंटिलेशन काउंटर पे। सिंटिलेशन काउंटर में बेसिकली क्या होता है कि एक हमारा फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब होता है जो कि हमारा फर्दर जो कि जाके हमारे डिटेक्टर से कनेक्ट होता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले ये मेनली यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग गामा रेडिएशन, ये सिर्फ गामा रेडिएशन के डिटेक्शन में ही यूज़ होता है,
इसके बाद फिर आता है हमारा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में क्या है, प्रिंसिपल में सबसे पहले ये है कि रेडिएशंस जो होंगी वो क्या करेंगी, रिएक्ट करेंगी सिंटिलेटर से। सिंटिलेटर से रेडिएशंस जो है वो हमारी एंटर कर रही हैं किसी भी एक चैम्बर में, वो रिएक्ट करेंगी। उसके बाद फिर क्या होगा, जब ये रिएक्शन टेक प्लेस होगी तो इस दौरान पे फ्लैशेस प्रोड्यूस होंगे। क्या प्रोड्यूस होंगे, फ्लैशेस, जो कि हमारी फ्लैशेस की इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारी जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ रेडिएशन। अब इसके बाद फिर आता है हमारा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में बेसिकली क्या होता है कि दो पार्ट्स होते हैं इसके। सबसे पहले हो गया हमारा सिंटिलेटर, दूसरा हो गया हमारा फोटो डिटेक्टर। फोटो डिटेक्टर में क्या होता है, एक हमारा होता है प्रेजेंट फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब प्रेजेंट होता है, दूसरा हमारा प्रेजेंट होता है चार्ज कपल डिटेक्टर। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब क्या होता है, ये एक कैथोड होता है। कैथोड में क्या है, ये सीरीज ऑफ एनोड्स प्रेजेंट है, ओके, जो कि क्या करते हैं, में हमारा जो प्राइमरी रेडिएशन इसमें पड़ रही होती है उनको क्या करते हैं, आगे फर्दर सेकेंडरी रेडिएशन में मल्टीप्लाई करते जाते हैं, सेकेंडरी आयंस जो है प्रोड्यूस करते जाते हैं। प्राइमरी आयंस जब प्रोड्यूस होते हैं वो फर्दर जाके सेकेंडरी आयंस, एक आपने कॉमन डिवाइस पढ़ा होगा, जैसे नहीं एक होता है हमारा, सबसे पहले यहाँ से रेडिएशन कॉज होती है, फिर ये क्या करती है, ये इधर जाती है, ये इधर जाती है, फिर ये इधर जाती है, तो ये क्या होती है, सेकेंडरी रेडिएशन प्रोड्यूस होते हैं। ये क्या है, हमारे एनोड्स हैं, ये सारे हमारे क्या हैं, एनोड्स। ये हो गया हमारा फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब का एक बेसिक मतलब, ये है बेसिक हमारा डायग्राम ये है, जो कि क्या है, ये एक मल्टीपल यहाँ पर एनोड्स प्रेजेंट है, जो कि क्या करते हैं हमारे सेकेंडरी और बहुत सारे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करते हैं, जो कि इसकी सेंसिटिविटी को इनक्रीज करता है, मतलब एक माइन्यूट से माइन्यूट रेडिएशन भी क्या करता है, पीएमटी जो है डिटेक्ट कर देता है। इसके बाद फिर आ जाते हैं इसकी वर्किंग पे। इसमें जब रेडिएशन जो होती है पास करती है सिंटिलेटर से जब रेडिएशन पास करती है तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एक्साइट होंगे, तो क्या करेंगे, वो जो ग्राउंडेड स्टेट होती है वहाँ से वो क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो क्या होगा, वो ज़्यादा देर तक तो रहेंगे नहीं, तो वो फिर जो है लौटेंगे अपनी ग्राउंडेड स्टेट पे। जब तक उनको एनर्जी मिलेगी तब तक वो ग्राउंडेड स्टेट पे जाएंगे, उसके बाद फिर वो एनर्जी जब उनकी कम हो जाए, ख़त्म हो जाएगी, तो वो जो है फिर से हमारी ग्राउंडेड स्टेट पे आ जाएंगे अपनी स्टेट पे। इसके बाद फिर क्या होगा, इसी प्रोसेस के दौरान, एक्साइटेड स्टेट के दौरान, जब तुम्हारी फ्लैश लाइट जो है मिलती है हम लोगों को, ठीक है, जो कि क्या करती है, कन्वर्ट हो जाती है करंट में, और करंट जो है जाके फर्दर मेजर हो जाता है। इतना छोटा सा इसका यही है प्रोसेस था, ठीक है। वर्किंग में सबसे पहले क्या होता है कि हमारी रेडिएशन जो होती है वो फॉल होती है हमारे किस पे, सिंटिलेटर पर फॉल होती है, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट पे जाते हैं, फिर वापस अपनी जो है ग्राउंडेड स्टेट पे आ जाती है, मतलब ग्राउंडेड स्टेट से पहले वो जाएंगे एक्साइटेड स्टेट पे, फिर वो फिर से आ जाएंगे नीचे ग्राउंडेड स्टेट पे। इसके बाद फिर जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तो इसी के दौरान हमारी जो फ्लैश लाइट है वो एमिट होती है, तो इससे क्या होगा, वो जो है हमारा क्या कर लेगा, जो हमारा पीएमटी होता है वो उसको डिटेक्ट कर लेगा और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिट करेगा, ये एमिट कर देता है डायरेक्ट। उसके बाद फिर वो जो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हुए हैं वो इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट होंगे और जो कि हमारा डिटेक्टर जो है वो डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। इसके बाद फिर ये हमारा हो गया पूरा इसका ब्लॉक डायग्राम। ये पीएमटी होता है, पीएमटी को मैंने यहाँ पर इसको एनलार्ज में दिखाया है कि यहाँ पे ये कैथोड होती है, कैथोड में जाके यहाँ पे रेडिएशन, फिर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिर यहाँ पे फॉल डाउन होते हैं, फिर यही प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स बनते बनते ये हमारा एनोड होता है, एनोड में जाके हमारा वो होता है, उसके बाद फिर ये जो है फाइनली जाके डिटेक्टर में डिटेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। यही सब पूरा हमारा जो है ये पूरा टॉपिक हो गया हमारा सिंटिलेशन और मुलर काउंटर। इसके बाद फिर हम लोग जो है आगे हमारा रेडियोग्राफी है एक बचा और दो तीन और टॉपिक बचे हैं, उसको कंप्लीट करके है हमारी पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आपको इसका इसके नोट्स लग चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम के लिंक पे जाके क्लिक करिए और टेलीग्राम ज्वाइन करिए, आपको वहाँ पे इसके नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे प्रॉपर, ठीक है। सो थैंक यू।